मूवी की शुरुआत में हम नॉनी नाम के एक रिटायर्ड ऑल टीचर को देखते हैं जो अपनी यंग वाइफ ट्रेसा को लेकर पार्टी में जाता है। इन दोनों की एज में काफ़ी डिफरेंस होने की वजह से लोग इनके बारे में बातें करते हैं, पर इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ ट्रेसा के साथ कोई दूसरा आदमी डांस करने लगता है तो उसे फर्क पड़ता है, तो वो भी जाकर अपनी पत्नी के साथ डांस करने लगता है। और जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो नॉनी ट्रेसा के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन काफ़ी बूढ़ा होने की वजह से उसमें वो जोश नहीं था जो एक यंग लेडी के लिए होना चाहिए, और इसी वजह से नॉनी ट्रेसा को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इस रात इंटीमेट होने के बाद नॉनी दूसरे रूम में जाकर ये सभी फीलिंग्स अपनी एक डायरी में लिखने लगता है। वो ये भी लिखता है कि भले ही वो ट्रेसा को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, पर उसे भी उसकी कंडीशन समझकर दिल और जान से प्यार करना चाहिए। ये सब लिखने के बाद नॉनी डायरी को डेस्क में लॉक कर देता है, लेकिन वो चाबी वहीं छोड़ देता है ताकि ट्रेसा उस डायरी को पढ़ ले, जिसके बाद उसे उसकी फीलिंग समझ में आ जाए। और जब ट्रेसा वो डायरी पढ़ती है तो उसे समझ आ जाता है कि नॉनी ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि वो ये डायरी पढ़ सके। वो नॉनी की फीलिंग्स के बारे में भी सोचती है कि नॉनी अपनी जगह ठीक है और वो उसकी कदर करती है। और फिर नॉनी की यंग बेटी लीसा को दिखाया जाता है, जिसका लाजलो नाम का फियांसे भी था। एक रात ये चारों लोग पार्टी में जाते हैं, लेकिन जब वापस घर लौटते हैं तो ट्रेसा की तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। लाजलो उसके कपड़े उतारने लगता है ताकि वो कंफर्टेबल हो सके, पर ये सब देखने पर नॉनी को ये ठीक नहीं लगता, इसलिए वो खुद ही उसकी केयर करने लगता है। इसके बाद नॉनी अगली रात ट्रेसा के पास जाकर उसके कपड़े निकालकर इंटीमेट होता है। नॉनी ट्रेसा की न्यूड पिक्चर्स भी क्लिक करता है और उन पिक्चर्स को लेकर फोटोग्राफर के पास जाता है ताकि वो उन फोटोज़ को और भी अच्छा बना सके। पर यहाँ हम देखते हैं कि वो फोटोग्राफर कोई और नहीं बल्कि लाजलो ही था, जो ट्रेसा की ऐसी फ़ोटो देखकर विचलित हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद ये चारों मिलकर ट्रिप पर जाते हैं, और जब ये एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं तो लाजलो मौका पाकर अपनी फीलिंग्स ट्रेसा को बताता है, लेकिन ये सब सुनकर ट्रेसा उसे मना कर देती है। पर कहीं ना कहीं वो भी उससे अट्रैक्ट होने लगी थी। जब ये लोग बीच पर जाते हैं तो लाजलो ट्रेसा की काफ़ी सारी फोटोज़ क्लिक करता है। नॉनी और लीसा उनके पास नहीं होते तो ये लोग पास ही के होटल रूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद से इनका अफेयर शुरू हो जाता है। अब ट्रेसा काफ़ी खुश रहने लगती है क्योंकि लाजलो से वो काफ़ी सेटिस्फाई होती थी, और इसी खुशी में वो नॉनी को प्लेजर देती है, जिससे उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। ट्रेसा भी अपनी ये फीलिंग्स एक डायरी में लिखना शुरू कर देती है। और फिर एक रात ट्रेसा नॉनी को प्लेजर देती है तो नॉनी को हार्ट अटैक आ जाता है। ये देखने पर ट्रेसा डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर नॉनी की कंडीशन देखकर उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करने को बोलते हैं। वहीं रात को लीसा डेस्क में कुछ देख रही थी तो उसे ट्रेसा की वही डायरी मिलती है जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स लिखी थी। ट्रेसा ने उसमें अपने और लाजलो के बारे में भी लिखा होता है, तो लीसा वो सब पढ़कर शॉक्ड हो जाती है। पर वही नॉनी अब काफ़ी वीक हो चुका था तो वो अगले दिन ही दम तोड़ देता है, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी को ले जाया जाता है। और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।